दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं। उत्तरी नगर निगम के सबसे बड़े हिंदूराव अस्पताल में मरीजों ने आरोप लगाया है कि उनको दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। आलम यह है कि पीने का पानी तक मरीजों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। जी, बहुत परेशानी करना पड़ता है। बाहर से चेकअप भी होते हैं और पानी भी नहीं है यहाँ पे बढ़िया, और खरीद के लाना पड़ता है मेरे को। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे इन मरीजों का आरोप है कि फ्री में दवाइयों के नाम पर एक दो गोली दी जाती है और बाकी महंगी दवाइयां इन्हें मजबूरन बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर वगैरह चेक करने तो आ रहे हैं, लेकिन दवाइयां टोटली बाहर की, सारा का सारा सामान A to Z जो भी सामान लाना सब बाजार से लेके आना है। छोटी दवाई हो, बड़ी दवाई हो, ग्लूकोज हो, XYZ सब कुछ बाजार। सरकार और नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं और तमाम तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हवा निकालने के लिए यहां इलाज कराने पहुंचे मरीजों की शिकायतें ही काफी हैं। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवद टाइम्स।